जो उस समय की स्थिति, कुछ बातें मेरे समझ में आई, रजवाड़ा शाही और आज की स्थिति में हमें समझना चाहिए। बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह कहे जाते हैं, बाकी तो शाह साहब बैठे हैं, अंतिम बादशाह कहे जाते हैं। तो हमारा ये कहना है, हमें ये समझना चाहिए कि एक तरफ उस समय महाराजा रणजीत सिंह खड़े थे, सिख राज खड़ा, एक तरफ मुगल सल्तनत खड़ी थी बहादुर शाह साहब। इन दोनों को समझने की जरूरत है। आज भी हम चाहे लोग 1857 को आजादी की पहले जंगे आजादी कहते हैं, पर सिख आज भी इसको गदर कहते हैं, उसके कारण। मैं इसलिए आपसे विनय कर रहा हूं, बेनती कर रहा हूं, आज भी हम गदर कहते हैं, उसका एक कारण कि अंग्रेज हुकूमत ने जब बहादुर शाह जफर थे को इस हालात में पहुंचाया तो उस समय सिख राज काबुल तक, और महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर अगर हमला हुआ तो हिंदुस्तान की तरफ से हमला हुआ। जो समझने वाली बात है वो ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से हमला हुआ, और सिख राज ने, सिखों ने यह समझा कि पूरा हिंदुस्तान हमारे खिलाफ है, सिख राज के खिलाफ है, इसलिए ये आपस में दुविधा हुई। नहीं तो जो रास्ता औरंगजेब के बारे में लोग कहते हैं कि सिखों के साथ ये किया, गुरु तेग बहादुर साहब नौवें गुरु को उन्होंने यहाँ शहीद कर दिया, उसके कुछ कारण। मैं कहता हूं कि गुरुओं के मुगल सल्तनत के साथ खट्टे और मीठे संबंध रहे। अगर बाबर आया तो बाबर के खिलाफ पहले बार गुरु नानक ने आवाज उठाई, पर बाद में वही बाबर और गुरु नानक के बहुत नजदीक संबंध रहे। आज भी मैं बता सकता, अगर आप देखें तो गुरु अर्जुन देव की शहादत जहांगीर के समय, पर गुरु अर्जुन देव को शहीद करने वाले कौन थे, उसके बाद उसके पीछे कौन था, या चंदू था या पृथ्वीचंद था। मैं तीसरी बात करता हूं, उन्हीं का बेटा, गुरु अर्जुन देव जी का बेटा गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद साहिब के संबंध जहांगीर के साथ बहुत नजदीक रहे, इतने नजदीक रहे कि दोनों इकट्ठे अटैक भी करते। तीसरी बात मैं कहूं, अगर शिवाजी उधर है तो जब शिवाजी सम्राट रामदास श्रीनगर गढ़वाल में गुरु हरगोविंद साहिब को मिले तो उस समय उन्होंने कहा था सम्राट रामदास को कि अगर आपने इस देश में हिंदुस्तानी तहजीब को बचाना है तो हाँ उधर किसी को खड़ा करना पड़ेगा। वहां से शिवाजी हमारे सामने आते हैं। जो ये कहते हैं कि सातों ईस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि समय नहीं है मैं उसको खत्म करना हूं, सातों ईस्टर्न स्टेट्स अगर इस देश में एक हुई है तो गुरु तेग बहादुर पटना में राजा राम सिंह ने संभाजी को बाहर निकाला, और संभाजी को बाहर निकालने का नतीजा ये हुआ कि राजा राम सिंह को बाकायदा तौर पर आसाम भेजा गया ताकि आसाम कभी भी मुगल सल्तनत में जीता नहीं गया। इस देश में पहली ट्रीटी है जो गुरु तेग बहादुर ने राजा राम सिंह के बीच, औरंगजेब के बीच और आसाम के राजा चक्रध्वज के बीच में सेटल कराई, ये पहली ट्रीटी है, और इसीलिए गुरु तेग बहादुर ढाका तक है। मेरा ये कहना है कि इतिहास के ये पन्ने, औरंगजेब ने चाहे कुछ भी किया हो, जब जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि मैं औरंगजेब तुझे मुसलमान भी नहीं मानता, मैं तेरे से पूछना चाहता हूं कि दो बच्चे दीवारों में चिनवा दिए जाए तो ये कौन सा इस्लाम, ये आवाज उठाई। पर उसी औरंगजेब ने जब उस जफरनामा को पढ़ा तो गुरु गोविंद सिंह को वहां से यहां बुलाया, ये मोती बाग गुरुद्वारा आज उसकी हमारे सामने। तो मेरा ये कहना है, और गुरु तेग गुरु गोविंद सिंह जी बहादुर शाह के साथ दक्षिण तक भी गए, जहां आज भी हजूर साहब गुरुद्वारा नादेड़ में बना। तो ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो हमें समझने चाहिए। हमारी बहुत नजदीकियां भी रही, हमारे खिलाफ लोग बहुत कुछ बोलते भी हैं। तो मेरा ये कहना है, आज जब हम बहादुर शाह जफर की याद कर रहे हैं, आज हमें ये समझना चाहिए कि आज सिख और मुस्लिम कहां खड़ा। मैं इसको राजनीति और ना राजनीति की बात नहीं, आज हम कहां खड़े, अभी सावरकर
सावरकर की बात है, हमारे सामने 1909 का इतिहास उनके सामने क्या था, 1857 वो क्यों इसको उभार रहे थे, इसके कुछ पन्ने और हो सकते हैं, मैं इस सोच में नहीं जाना चाहता। पर मैं सावरकर के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बना सके। सवाल ये होना है, सवाल इस बात का नहीं है जिस हिंदुस्तान को, चाहे वो मोहम्मद इकबाल हो और चाहे कोई भी हो, आज जो हिंदुस्तान की तहजीब थी, आज क्या हम उस हिंदुस्तान की तहजीब को खत्म कर रहे हैं? अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम यहाँ सभी तहजीब के लोग हमें बुलाए हैं, उनके बात सुनेंगे, उनके विचार सुनेंगे, ये अच्छी बात। हमारा यही रिश्ता था, हमारे इसी रिश्ते को तोड़ दिया गया 1857 के बाद सिख सभा मूवमेंट चली। मुझे एक बात और कहे, मोहम्मद अली जौहर थे, शौकत अली थे, बाबा खड़क सिंह जिसकी सड़क भी बनी हुई है कनॉट प्लेस के सामने, बाबा खड़क सिंह सिख लीग की अध्यक्षता कर रहे थे, गांधी भी वहीं थे, मोतीलाल नेहरू भी वहीं थे, मोहम्मद अली जौहर भी वहीं थे, शौकत अली भी वहीं थे। मैं आज भी उस शब्द को, और ये हीरा सिंह दर्द ने इन शब्दों को पेश किया है जो गांधी के साथ भी रहे, उन्होंने ये कहा मोहम्मद अली जौहर उस खालसा लीग की मीटिंग थी, खालसा लोग बैठे थे, उसने ये कहा और आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये मेरी उस समय अगर मोहम्मद अली जौहर की ये तकलीफ थी, आज मेरी आपके सामने तकलीफ थी। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने आपके ऊपर बहुत ज्यादतियां की, भाकव रहते उन्होंने बहुत ज्यादतियां की, हमें उसका एहसास है, हम उसका माफी मांगना चाहते हैं। मेरी गर्दन और मेरे भाई शौकत की गर्दन मैं पेश करता हूं, आपका मन करे तो इस काट दे, पर आज जरूरत है हम सबको एक हो, तभी अंग्रेजों को हकूमत से हरा सकते हैं। जिन अंग्रेजों ने हमारे साथ इतना कुछ किया, मुगल सल्तनत जिसका औरंगजेब का रास्ता आपको अच्छा नहीं लगता, जिसका अकबर का रास्ता आपको अच्छा नहीं लगता, जिसका कोई रास्ता आपको, मैं सावरकर से पूछना चाहता हूँ, ये मेरे सवाल सावरकर से, मेरे उससे भी सवाल है जो मदरी साहब वहां गए और जो भाषण उन्होंने दिए, मेरे उन पर भी सवाल है, मेरे छोटे मदरी पर भी सवाल है। आज सवाल इतने नीचे पहुंच गए, आज हम इस आजाद पर पहुंच गए। तो मेरा विचार आपके सामने ये है कि आज हमें फिर से जरूरत है इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखने। हमने कहा है, मैंने अभी एक यात्रा आरम्भ की है गोदावरी से, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का अंत्येष्टि हुई, और वहां तक जाऊंगा गोदावरी रावी तक, मैं करतारपुर पास नहीं करना चाहता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।